इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश से है ये बड़ी खबर। वहां के हमीरपुर जिले में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। 15 मरीजों को कोरोना नेगेटिव बताकर घर भेज दिया गया, लेकिन 24 घंटे बाद वो सब पॉजिटिव निकले। तो हमीरपुर जिले में अधिकारियों की लापरवाही का ये बड़ा मामला सामने आया है। जगविंदर पटियाल ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं। जगविंदर, आपका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कमिश्नर का क्या कहना है वो सुनवा देते हैं। 18-19 को जो ट्रेन आई थी अर्ली मॉर्निंग 19 को पहुंचे थे, 167 लोग आए थे, उसमें से 9 बसें आई थी। इस तरह से 167 लोगों को रखा था। इसमें जब आए थे तो कुछ लोगों को, क्योंकि बॉम्बे रेड जोन है और काफी केसेस आ रहे हैं, कुछ लोगों को सिम्टम्स थे, तो हमने एहतियात के तौर पे 19 की तारीख को सुबह ही उसी दिन हमने सभी के सैंपल उठा लिए थे। उसमें से जो रिपोर्ट आई 21 को दो दिन बाद में, उसमें से 31 पॉजिटिव आए थे। हमने 31 को डीसीसी में आइसोलेशन में भेज दिया। जो बचे 136 है उनके नेगेटिव आए थे फर्स्ट रिपोर्ट में। सेकंड सैंपल था उनका बॉम्बे वालों का, उसमें से कुछ लोगों की रिपोर्ट आई, जो 122 की रिपोर्ट आ गई थी उनमें से 60 फिर पॉजिटिव आया, इन्हीं में से जो पहले फर्स्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। जगविंदर पटियाल ज्यादा जानकारी लिए हुए हमसे जुड़ रहे हैं। जगविंदर, ये 15 मरीजों को कोरोना नेगेटिव आता है, 24 घंटे बाद वो पॉजिटिव आ जाता है, ये बड़ी लापरवाही है, लेकिन गलती किसकी है इस पूरे मामले में? देखिए, गलती तो प्रशासन को भी नहीं पता शोभना किसकी है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ माजरा क्या है। महाराष्ट्र से 167 लोग वापस आए, ये 18-19 से लेकर 24-25 मई तक वापस आए, अलग अलग ट्रेन से और बसों से। जब ये वापस पहुंचे सबके टेस्ट करवाए गए, इनमें से कुल 43 आदमी जो है वो पॉजिटिव पाए गए। इन 43 में से 15 को बुधवार को इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इनको कहा गया कि आप अपने अपने घर चले जाइए। प्रशासन ने इनको बस दी और ये सब लोग अपने अपने घर चले गए बुधवार की शाम को। और जब रात को एक रिपोर्ट आती है अलग से लैब में, तो उसमें ये 15 भी पॉजिटिव पाए जाते हैं, और फिर देर रात को प्रशासन 2-3 बजे ये कार्रवाई शुरू करता है कि इनको दोबारा आइसोलेशन सेंटर में लाया जाए। अब सोचिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में, मेडिकल स्टाफ में, जो क्वारंटीन सेंटर है, आइसोलेशन सेंटर है और लैब है, इनमें तालमेल की बहुत बड़ी कमी है, और इसी वजह से लोग बेहद परेशान हो रहे हैं और खामखा ये संख्या बढ़ भी रही है। अभी तक अगर हम हिमाचल में देखें तो 276 लोग हुए हैं, पहले बहुत कम हो गए थे, 2 तक आंकड़ा चला गया था, सिर्फ 2 एक्टिव केस रह गए थे, लेकिन अब 276 हो गए हैं जब से बाहरी राज्यों से लोग वापस लौटने लगे हैं। और उसमें से अकेले हमीरपुर में 93 लोग हैं और 93 में से 85 एक्टिव केस हैं। लेकिन अब इन 15 लोगों को दोबारा से बुलाया गया और एसडीएम को इंक्वायरी मार्क की गई है शोभना, जो ये जांच करेंगे कि आखिरकार कम्युनिकेशन गैप कहां रहा। डीसी ने भी यही कहा है कि कम्युनिकेशन गैप है, लेकिन कहां कम्युनिकेशन गैप है ये पता नहीं। तो सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए कि इतनी इस महामारी के दौर में अगर इस तरह के कम्युनिकेशन गैप रहते रहेंगे तो इससे कभी हम जो है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा खत्म नहीं कर पाएंगे। सरकारों को जागना चाहिए, एहतियाती तौर पर वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब काम करने चाहिए जिस तरह से इस तरह की गलतियां ना हो। जगविंदर, गलती किसी की भी हो ये प्रशासन को भी नहीं पता है, लेकिन ये तो बात बिल्कुल सही है कि अब ये जब 15 मरीज अपने घर पहुंचे होंगे तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने इन्फेक्ट कर दिया होगा, तो क्या अब उन घर वालों को भी क्वारंटीन किया गया है? अगला कदम क्या है प्रशासन का? सबसे बड़ी बात यही है, जब प्रशासन को ही नहीं पता गलती कहां हुई, यही सबसे बड़ी गलती है, यही सबसे बड़ी नासमझी है कि आपको ये पता ही नहीं है कि गोल हो कहां गया। और दूसरी बात रही कि उनको क्वारंटीन किया जा रहा है जिनके संपर्क में आए हैं, नहीं, उसके लिए अब फिर लंबी चौड़ी एक्सरसाइज चल रही है। अब बताइए, आपकी जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं आप उनका इलाज करेंगे या अपनी गलतियों की वजह से जो आगे कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं उनको क्वारंटीन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे? अगर यही गलतियां चलती रही तो मुझे लगता है कि जो 4 महीने में जिस बीमारी से निपटना चाहिए उसको निपटने के लिए हमें 40 महीने लग जाएंगे। तो इन सब गलतियों को रोकना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को, मेडिकल स्टाफ को रोकना चाहिए, सरकारों को रोकना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि कोई नेगेटिव पॉजिटिव का कंफ्यूजन है तो आप उसको 2 दिन और रख लीजिए। जो आदमी 14 दिन रह रहा है वो 16 दिन भी रह लेगा, लेकिन आप एकदम उसको घर भेजने की जल्दी करते हैं और अब आप उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके संपर्क में ये 15 लोग आए हैं। कितनी बड़ी एक्सरसाइज और ज्यादा बढ़ जाती है और लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। बिल्कुल जगविंदर पटियाल, आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि ये जो कोरोना है ना, इसने पूरे देश की जो व्यवस्था है उसकी पोल पट्टी खोलकर सबके सामने रख दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।